फेक नारी नहीं, सहनशीलता का जीता प्रतीक है ये, मर्यादा का दूसरा नाम है ये, हर नारी का श्रेष्ठ अस्त्र है ये। कितने परिश्रमी थे उसका बाप, कष्ट और परिश्रम से उन्होंने अपना मकान खड़ा किया। सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे बाप का बेटा इतनी आलसी और नालायक निकलेगा। तुम सोया रहो, पत्नी की आमदनी से मुफ्त का खाना मिल रहा है तो। क्या कहा तुमने? देख जदब का है, मुझसे सोच समझकर बात करना। सुन, मैं किसी और की कमाई का नहीं खा रहा हूं। बड़ा आया बात कहने। नहीं चलेगा जादव का ऐसे, और नहीं चलेगा मतलब बिना कुछ काम किए और कितना दिन रह पाऊंगा, कुछ करना ही पड़ेगा। वाह, ये क्या सुन रहा हूं, ये तुम ही हो ना? अच्छा, करोगे क्या तुम? सोच रहा हूं कि खेती ही करूंगा। उत्तम चिंता, तुम्हारे पास खेती के लिए जमीन भी है और ऊपर से आजकल हम जैसे किसानों के लिए सरकार ने भी कुछ सुविधाएं दे रखी है, पर अचानक तुम में ये बदलाव कैसे आया? सुबह सुबह उसने आज मुझे जो सुनाया बहुत घबरा गया मैं। कल रात चावल कम था, उसने पकाकर मुझे खिलाया और खुद खाली पेट सो गई। आज सुबह अवसर पाते ही ये बात मुझे सुना डाला। क्या समझती है वो मुझे? हाँ, ऐसी खेती करूंगा, चावल से भर दूंगा पूरा घर, जितना चावल खाना है खाती रहेगी तब। वाह, बहु खुद भूखा रहकर तुम्हें खिलाई, किस्मत वाले हो तुम। हमारे घर में तो शायद मुझे भूखा सुना पड़ता, हमारे औरत तो सिर्फ ऑर्डर करती है, जो चाहिए वो किसी भी कीमत पर हमें लेकर देना पड़ता है, ये चाहिए वो चाहिए हर दिन। और इधर तुम्हारी बीबी साक्षात देवी, त्याग की मूरत। छोरो भी जादव का है, अच्छी भावना से वो मुझे नहीं खिलाई थी, वो हमसे महान है ये दिखाने के लिए ये सब नाटक कर रही थी वो कल रात। तुम्हें समझाकर कोई फायदा नहीं, जो भी हो तुम्हारा मन खेती की तरफ रुख गया है, ये ही देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छे से करना, और कभी भी कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बोलना। मुझे खेती की सब तरीके पता है, बस मैं करता नहीं हूं, जान लो। कह रहा था कि सिसुराम अब खेत में लगेगा, देर से ही सही, पर उसे एहसास तो हुआ कि जीवन में कुछ करना जरूरी है। सुरभि, खेती करेगा वो आलसी आदमी, सिर्फ दो दिन देखना, दो दिन की नाटक के बाद फिर से वही बिस्तर पकड़ लेगा वो, इतना कष्ट क्या कर पाएगा वो, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं उसको। अरे
ऐसा मत बोलो। भगवान ना करे इस बार भी वो काम से हाथ लगाकर आधी रास्ते में ही छोड़ दे। मुझे तो ये सब सोचकर डर लगता है। नहीं कर पाएगा वो, संसार कभी नहीं चला पाएगा वो। जीजा जी बोलने पर भी मुझे शर्म आता है। क्या हल कर दिया है मेरे दीदी की उसने। संतान, संतान पालने वाली बात तो तुम भूल ही जाओ माँ। भदोरी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी माँ कि उसके साथ दीदी को बिहाना मत। बहुत ही अच्छा लड़का मिल सकता था दीदी के लिए, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगते रहो। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी। समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल। कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। अरे भदोरी। हाँ। इस महीने की पैसे लाई हूँ, ये लो। बैठो तो सही। नहीं नहीं आज नहीं, कभी और। मेरे आदमी का आने का समय हुआ है, अब जाकर मुझे खाना पकाना है। आते ही अगर उन्हें खाना ना मिले तो हाहाकार मचा देंगे। भूख लगने पर कोई माफ नहीं। सुना है सिसुराम इस बार खेती करेगा, अच्छा ही होगा। वैसे आदमी ठीक ही है, लेकिन भूख और खाने को लेकर कुछ। भूख लगने पर वो किसी को नहीं पहचानते हैं। बीना मैं चलती हूँ। हाँ अरे रुको ना, मुझे तुमसे काम है। आओ बैठो। बैठो, थोड़ी देर बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुनो तो। क्या? वो जो सैकानी दीदी जहाँ हम कपड़े बेचने जाते हैं, वो कल मुझे कह रही थी कि उनका शहर के एक व्यवसायी के साथ अच्छे जान पहचान है। उन व्यवसायी को हमारे बुने हुए कपड़े बहुत पसंद आ गए हैं। अच्छा। हाँ, और वो कह रही थी कि उन व्यवसायी को हमारे बुने हुए कपड़े बेचने के लिए चाहिए, दाम भी अच्छा देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन एक समस्या है, उनको ज्यादा कपड़े चाहिए होगा। हम दोनों मिलकर क्या इतना कपड़ा बुन पाएंगे? हाँ ये तो सही है। बीना हम एक काम कर सकते हैं। क्या? हमारे गांव में जिस घर में कपड़े बुने जाते हैं, हम उन सबको इकट्ठा कर सकते हैं। सब मिलकर अगर काम करेंगे तो कपड़ा भी ज्यादा बुन पाएंगे और कीमत भी अच्छा मिलेगा। लेकिन बाकी औरत क्या इस बात को मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे, अगर लाभ ज्यादा होगा तो सब मानेंगे, और नहीं भी मानेंगे तो हम मना लेंगे। हाँ तुम्हारी सोच तो अच्छी है, चलो एक बार बात करके देखते हैं। बीना मैं चलती हूँ। हाँ मुझे देर हो रही है, और कुछ होने से मुझे बताना जरूर। हाँ सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक मैं चलती हूँ। हाँ लो,
अब लकड़ी भी नहीं है। कितनी बार मैंने उन्हें कहा कि लकड़ी नहीं है चूल्हा जलाने के लिए, खेत में जाने से पहले जुगाड़ करके जाना, लेकिन कहाँ सुनेगा। बस समय पर जो चाहिए उसे देना पड़ेगा। भदरी, क्या कर रही हो तुम? मत बोलो ताई। खाना पकाने के लिए रसोई में पहुंची तो देखा एक टुकड़ा भी लकड़ी नहीं है, बस वही खोजने निकल आई। ये तुम्हारा काम नहीं है भदरी। सिसुरम कहाँ मर गया? क्या वो ये भी काम नहीं कर सकता तुम्हारे लिए? मैंने उन्हें कहा था, पर वो एक नंबर का भुलक्कर है ताई, सब भूल जाते हैं। एक एक हिसाब मुझे रखनी पड़ती है। तुम अकेले इतना काम कैसे संभालोगे भदरी? एक तरफ गाय बकरी, फिर कपड़े बुनना और घर का काम, इतना संभलना मामूली बात नहीं है। करना ही पड़ेगा ताई, नहीं तो पेट का भूख पेट में ही मरेगा और साथ में हम भी, तब संसार कैसे चलेगा। शिशुराम एक मर्द होकर भी कुछ नहीं करता, तुम क्यों उसके लिए इतना कष्ट करती हो? हाँ, एक दिन भूखा रखो तब उसे पता चलेगा। भूखा रखूं और उन्हें? अनर्थ हो जाएगा ताई, हाहाकार मच जाएगा। दरअसल ये सब तुम्हारी ही गलती है भदरी, शक्ति से पेश नहीं आती हो ना, इसीलिए। कभी कभी सख्ती दिखाना भी जरूरी है भदरी, तभी वो समझेगा और सही राह पर आएगा। अपनी खुशी के लिए ये सख्ती रखना भी जरूरी है भदरी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे आओ, खाना खाते हैं, चलो। हाँ चलिए, आइए। हाँ जा रहे हो? मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है भाई। तुम लोग खाना निकल रहे हो, मैं क्या तुम लोगों को खाते हुए देखता रहूं? मैं भी घर जाकर खा के आता हूं। अरे तुम्हारे बीवी ने तुम्हारे लिए खाना बांध के नहीं भेजा है क्या? हमें देखो, धर्म पत्नी ने सब जुगाड़ सास दे के भेजे है। आज मेरे लिए क्या भेजी है जानना चाहोगे? खट्टे झोल में छोटी मछली, ये मछली भाजी और लौकी की सब्जी।
और मेरे लिए ये दाल, ये साग भाजी और ये अंडे का झोल। क्योंकि मुझे सुबह सुबह खेत को आना होता है, इसीलिए मेरी बीबी सुबह ही उठ के मेरे लिए चुन चुन के सब्जियां पकाती है, ताकि दोपहर को मैं अच्छे से आराम से खा सकूं। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच गुरुवार रात 10 बजे। खाना दे। क्या हुआ? बहरी हो गई क्या? कब से आवाज दे रहा हूं, कहां मर गई थी? चुप क्यों है? दे खाना दे, बहुत भूख लगी है। खाना अभी पका नहीं। क्या अभी तक खाना नहीं हुआ? तुम्हें पता था कि नहीं कि मैं खाना खाने आऊंगा? धूप में हाल कुदाल चलाकर खेत की तैयारी कर रहा हूँ, अरे तू मेरे लिए समय पर खाना भी तैयार नहीं कर सकती? घर में एक टुकड़ा लकड़ी नहीं थी चूल्हा जलाने के लिए, लेकिन आपको बताकर तो कोई फायदा नहीं। जंगल जाकर लकड़ी इकट्ठा करके लाने में थोड़ी देर हो गई मुझे। आज बहुत जोर जोर से तेरी जुबान चल रही है, एक दिन क्या लकड़ी लाने जंगल गई, तेरी तेवर ही बदल गई। खाना पकने में अभी समय लगेगा। रुको, लकड़ी नहीं थी तो सुबह ही जाकर नहीं ला सकती थी क्या? परिश्रम करके आया हूँ, अब क्या मुझे भूखा रहना पड़ेगा? एक दिन भूखा रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, मैं तो कई बार भूखी रहती हूँ। जा, तू मुझे भूखा रखेगी? हाँ, तू मुझे भूखा रखेगी? बात अब यहाँ तक पहुँच गई, हाँ? समझ में आएगा मैं क्या क्या चलती रहती हूँ। इस घर को चलाने के लिए कितना कष्ट करती हूँ। ये मजाल, मुझे ऐसा कह रही है, मुझे ऐसा कह रही है तू? आज आज मैं तुझे क्या करता हूँ देखना। तो मैं आज क्या बोली थी तो आज मेरी माँ और भाई ठीक कहते थे आपके साथ शादी करवा के, उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी थे। क्या बोली, क्या बोली? ये औरत अभी भी जबान चला रहे हो, जबान चला रहे हो। मैं तो तुझे आज तो बेटा क्या हो रहा है उन दोनों का बीच? और क्या होगा ताई, सुषमा अपनी बीबी को पीट रहा है। चलो चलो अंदर चलो। अरे ताई, मियां बीबी के बीच का झगड़ा, हम जाके क्या करेंगे वहाँ? क्या तुम सुषमा का गुस्सा नहीं जानते हो? हाँ, वो मार मार के बिचारी को मार डालेगी। चलो आओ।
भाभी ताई, भाभी कुछ बोल ही नहीं रही है। काफी खून भी बह रही है। बेटा जल्दी जाओ, भदोरी को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। हाँ ताई, मैं अभी से आकर बैलगाड़ी लेके आता हूँ। जाओ जाओ भदोरी, भदोरी कुछ तो बोलो भदोरी, भदोरी। शिशुराम, तेरे पास पैसे वगैरह है कि नहीं? डॉक्टर साहब तो बार बार दवाई लाने के लिए भेज रहे हैं। पैसे नहीं है तो बोल, कहीं से तो जुगाड़ करना पड़ेगा। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसों की फिक्र मत करो, उसका प्रबंध हो जाएगा। ये लो, लो। तुम्हारी बीबी बहुत कष्ट उठाकर कपड़े बुनकर ये रुपए कमाती थी। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास जमा करती थी वो, तुम्हें बिना बताए। नहीं तो सारे पैसे तुम खा जाते, उस पर अपना हक जमाते। तुम्हें ना बताने की कारण तो यही है। पर उसने मुझे ये बताई थी कि अगर तुम कोई भी काम ना कर पाओगे तो उन पैसों से वो तुम्हारे लिए एक दुकान खोल देती। उसके लिए तो तुम्हारे कुछ चिंता ही नहीं। बेचारी बहुत कद चली है उसने तुम्हारे लिए, खुद भूखी रहकर तुम्हें खिलाती थी। क्या क्या नहीं करती थी वो, ताकि तुम्हें समय पर अपनी जरूरत मिलते रहे। और आज तूने उस पर ही इतना नीच काम कर डाला। शिशुराम भाई और भाभी के बीच में एक भयंकर झगड़ा हुआ था। फिर क्या हुआ? झगड़े में आपा खोपे था शिशुराम भैया, और भाभी की तरफ एक हासिया दे मारा। मैं मामा बनने जा रहा हूँ, ये तो खुशी की बात है, और हम खुशी जाहिर क्यों नहीं करेंगे? आज तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। पर बाप तो जेल में है। रहने दो उसे जेल में।
कहानी नहीं एक दास्तां है जिंदगानी की सदियों पहले से ये रीत है अपना घर ही सबसे बड़ा प्रीत है एक औरत की ये कहानी है एक औरत एक औरत की जुबानी